गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास। आज हम आपको एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और जो नया चैप्टर है वो चैप्टर है आपका सिक्स और उसका नाम है सब्ट्रैक्शन। आइए देखिए कि हम किस तरीके से सब्ट्रैक्ट को सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्ट जो होते हैं वो आपके नॉर्मल सब्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें आपको कैरी का यूज़ नहीं करना होता है, और कुछ सब्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें हम कैरी का यूज़ करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन को कैरी के साथ करते हैं। आइए देखिए, मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इनको मैंने सॉल्व किया हुआ। आइए देखिए किस तरीके से सॉल्व किया है, समझिए इसको। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पर 7, 5, 6 और ये 6, 6, 5 दिया गया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम 6 से 5 माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम इन दोनों डिजिट्स का कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ हमने कंपेरिजन किया, ये है 6, ये है आपका 5। 6 इज ग्रेटर देन 5, 6 5 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर नंबर से हम स्मॉलर नंबर को आसानी से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम 6 से 5 माइनस करेंगे तो 1 यहाँ पे आएगा। एज यू नो दैट, आपको पता है कि 6 से जब 5 माइनस करेंगे 1 आएगा। आगे यहाँ है 5 एंड दिस इज 6, क्या 5 से 6 माइनस कर सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि 5 इज स्मॉलर देन 6, 5 6 से स्मॉलर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस 100 प्लेस को जो टू डिजिट है इससे हमें 1 कैरी बोरो करनी पड़ेगी, यानी कि 1 कैरी लेनी पड़ेगी। तो वैसे हम 1 कैरी यहाँ से लेंगे, तो यहाँ जो नंबर 5 है तो 1 कैरी यहाँ से लेने के बाद जो नंबर यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा 15। 15 कैसे हो गया, कैरी हमने 1 ली, कैसे 15 हुआ? तो कैरी जो होती है वो 10 के इक्वल होती है। तो 10 के इक्वल होती है तो 5 यहाँ पहले से था, 10 प्लस 5 15 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 15 रिटर्न किया हुआ। अब हम 15 से 6 को इजीली माइनस कर सकते हैं, तो 15 से 6 को माइनस करेंगे आपका यहाँ आंसर आ जाएगा 9। अंडरस्टैंड, चलिए आगे देखते हैं। जब ये 7 जो 100 प्लेस का जो डिजिट है इसने इसको की दी 1 कैरी, तो यहाँ 1 माइनस करेंगे तो 6, 7 से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। अब हम 6 से 6 को माइनस करेंगे, आएगा आपका 0। अंडरस्टैंड, तो इस तरीके से ये आपका सब्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम अगला सब्ट्रैक्ट देखते हैं, उसमें भी थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करेंगे किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, यहाँ है आपका 6 और 6 से 8, यहाँ 8 है, क्या हम 6 से 8 माइनस कर सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा नहीं कर सकते। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा, और 16 से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 8। अंडरस्टैंड, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से कैरी इस तरफ गई तो यहाँ आपका 1 माइनस होगा, तो 1 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8। अब हम 8 से 6 को माइनस करेंगे, 8 से 6 माइनस करेंगे आप आंसर आ जाएगा 2। अंडरस्टैंड, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, 2 से 1 माइनस ईजिली कर सकते हैं, और 2 से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा। तो देखा आपने किस तरीके से हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए, ये है आपके सब्ट्रैक्ट विद कैरी, कैरी के साथ हमने सब्ट्रैक्ट किया था। इस एक्सरसाइज में हमने आपको PDF भेजा है, उस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन हैं, उनको आपने होमवर्क में करना है। आई होप, मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगली वीडियो के लिए हम कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। ओके।